So we are going for PRT Tiger Reserve Forest Safari. Welcome to Kegory Wildness with unmatched staycation. This perfect weekend destination is just in distance of 4 hours from Bangalore. Journey to Kegory itself is an unforgettable experience where variety of wildlife will welcome you into the wildness. Also in this JLR property, you can spend some joyful time with your family and friends. In this video, let us show you some glimpses of this amazing Kegory Wildness Camp along with all required details like how to book this property, what all activities you can do here, what is the food option, etc. etc. तो देखते रहिए पूरा वीडियो को बिना स्किप किए। बहुत ज्ञान दे दिया। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब आवर चैनल क्लिक हटल। हेलो, वेलकम टू क्लिक हटल। आई एम दीपमाला एंड बियॉन्ड द कैमरा देयर इज श्रीवास। तिन्नी है कहीं पे एंड वेलकम टू आवर स्पेशल एपिसोड ऑन जंगल्स ऑफ कर्नाटका एंड राइट नाउ वी आर एट केगुड़ी वाइल्डनेस कैंप। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज ये एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे केगुड़ी वाइल्डनेस कैंप। केगुड़ी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जंगल लॉजेस्ट प्रॉपर्टी इन कर्नाटका विच सिचुएटेड एट बियर हिल्स विद इन बीआरटी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। टू रीच केगुड़ी यू हैव टू ट्रैवल वाया मैसूर रोड एंड देन फॉलो कोलेगाला रोड टू रीच बियर हिल्स। और जैसे ही आप फॉरेस्ट चेक पोस्ट से एंटर करोगे तो रास्ते से नजर बिल्कुल भी मत हटाना। जर्नी थ्रू दिस रोड इज इटसेल्फ ए वाइल्ड लाइफ सफारी। यू माइट स्पॉट डियर, एलिफेंट, गौर, वाइल्ड डॉग, जैसे कि हमें दिखा ढोले, ए पैक ऑफ ढोले। बट हाँ, यही पे एंड नहीं है, हमारी जर्नी और भी एडवेंचरस था। तो चलिए दिखाते आगे और क्या क्या दिखा। Start early from Bangalore so that you reach there by around 12 p.m. and you have enough time to freshen up and get ready for the safari. तो चलो हम पहुंच गए केगुड़ी वेलनेस कैंप। जल्दी से चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं एंड आगे मिलते हैं। सो वी हैव रीच्ड केगुड़ी एंड दिस इज दिस मेन ऑफिस ऑफ दिस केगुड़ी वाइल्डनेस कैंप ऑन द रिसेप्शन एरिया। सो बंद के लिए टुडे वी हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली। वी हैव स्टार्टेड अराउंड 4:30 फ्रॉम बैंगलोर एंड इट्स 10 एंड बाय 10 वी हैव रीच्ड हियर। तो रूम तो अभी हम लोग को मिलने वाला नहीं है। सो हम लोग अभी गए हैं, पूरा टीम चला गया है वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। यस, पूरा टीम, राइट दिस टाइम वी आर अ बिग गैंग। बाद में सबसे मिलाते हैं आप लोगों को। फिलहाल तो देख लिया आप लोगों ने, ये है आपका रिसेप्शन एरिया एंड ये पे सब अपना कॉटेजेस है, जीप सब कुछ खड़ा हुआ है। पता नहीं, सब कुछ डिटेल्स मिलता रहेगा और हम बताते रहेंगे। तो अभी चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो रास्ते में आते हुए काफ़ी अच्छा साइटिंग हुआ। वी हैव सीन बाइसन, वी हैव सीन ए पैक ऑफ ढोले। सो लग रहा है केगुड़ी एंड बियर हिल्स इज गोना बी रियली एक्साइटिंग दिस टाइम। अब तक तो आप लोग को पता ही चल गया कि जंगल लॉजेस का गोलघर क्या है। सो या दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट and see what is there. Can you see it?
तो रास्ते में भी आते हुए वी हैव अ वेरी गुड साइटिंग. वी हैव स्पॉटेड ढोले, वाइल्ड डॉग एंड गौर और इंडियन बाइसन यू कैन से. तो स्टार्टिंग तो अच्छा हुआ है एंड आई एम हैविंग दैट वाइब दैट दिस टाइम वी विल श्योरली मीट द महाराज ऑफ जंगल. तो देखते हैं क्या मिलता है लक में. आलू की सब्जी एज यूजुअल. जेलर हैज लॉट ऑफ ऑप्शन. दैट्स द ब्यूटी ऑफ जेलर. या आई हैव हर्ड हियर कुक इज फैंटास्टिक. या खाना तो अच्छा है लेकिन तुझे बैठने नहीं दिया क्या? नहीं आई थॉट तुझे इजी होगा इसलिए हम कह रहे हैं. टू गुड फूड. फाइटिंग यहाँ पे टाइगर दिखा था लास्ट वन वीक बिफोर एंड देन लेपर्ड दिखा था 10 days बैक. दैट्स व्हाट दे सेड. टुडे मॉर्निंग सफारी गौर और एलिफेंट मिला है. लेट्स सी आफ्टरनून में व्हाट वी सी. सो टुडे वी आर नॉट अलोन. वी हैव ह्यूज गैंग विद अस. यस दैट्स बेसिकली तिन्नीस गैंग. सो हियर आर द बिग गैंग. हियर इज तेजस एंड नितिका. And there is Prashant and Nikita. Don't get confused, huh? एक नितिका है, एक निकिता है. And here is Ubi and Yuvan. And Nika. Say hi, come. You introduce your friends, huh? Hi. Hi. देखो. अभी हम लोग जा रहे हैं इनका सुपर डिलक्स रूम देखने और बाद में अपना टेन दिखाते हैं. सो इसमें से कौन है सुपर डिलक्स वाले? कौन है? तेजस. सो ये है स्वीट रूम. हाँ काफी अच्छा बना है. बिग विंडोज आर देयर. राइट देयर इज द वॉशरूम. वॉशरूम भी काफी बड़ा है. दिस साइड इज द मेन बेडरूम. वाह गुड है. हियर यू हैव अ मिरर आल्सो. एक वेट ड्रॉप भी है. एंड वाह काफी बड़ा टेरेस भी है. यू हैव सीन द डिलक्स रूम एंड स्वीट रूम. Now these are the tents are this side. So this tent is काफी बड़ा है. I think you know it is good for a family. See, this is a beautiful similar kind of tent में हम लोग वहाँ पे रहते काबिनी में अगर आपने देखा होगा. So this kind of luxury tents are also here. तो ये पहुंच गए हम लोग टेंट 7. अगेन बर्ड के नाम पे है. आई थिंक दिस इज डव. DOV देयर डव टेंट. दूर से थोड़ा व्यू दिखाते हैं इसका. काफी मस्त है. मतलब इसको देख के मन भर जाएगा. ये है टेंट. काफी सही दिख रहा है. एंड दिखाते हैं इसका सराउंडिंग व्यू. लुक एट दिस. अभी रूम दिखा के लाते हैं. चलिए अंदर आके देखो बहुत अच्छे. हाँ सच में क्या है अंदर? टाइगर है क्या? हाँ टाइगर. फिर क्या है? टाइगर है. हाँ. आ जाओ. हाय
Who is he? Pikachu. Pikachu. So you can say it's quite big enough. The room is. And sare basic cheeses already diya hua hai. Like coffee and all these things are there. And my favorite. Hi. I am here. Umbrella is also there. जो मैंने देखा है जेलर का हर एक रिसोर्ट में रहता है. एक्स्ट्रा कॉर्ड इज देयर, फैन इज देयर. ये मंथ ऑफ अगस्त, सॉरी ये मंथ ऑफ अक्टूबर है, लेकिन शायद फैन नहीं लगेगा. एंड दिस इज द वार्डरोब, दिस इज योर वार्डरोब. देख लीजिए, अपना पूरा कैमरे का चीज यही पे है. एंड हियर इज वॉशरूम जो काफी बड़ा है. And there is me. Hi. तो रूम तो आप लोगों ने देख लिए. अभी हम लोग, अभी है आपका 12, तो हम लोग को ऑलमोस्ट एक घंटा पहले रूम मिल गया था. बट हम लोग थोड़ा बाहर आपका ना बहुत सारे झूला ये सब दिए वैसे. वाइल्ड बोर्स आर देयर. तो बाहर पे झूला ये सब था. मतलब हम लोग को रूम मिल गया ऑलमोस्ट 11 पे. एंड तब से हम लोग वहीं पे एंजॉय कर रहे थे. अभी ऑलमोस्ट 12, तो हम लोग को जल्दी से फ्रेश होके लंच करने जाना है. 1 या 1:30 पे लंच है, तो गोलघर में जाएंगे लंच करने. एंड उसके बाद विल गो फॉर द इवनिंग सफारी. बातें यही पे बंद करते हैं एंड जल्दी से फ्रेश होके आते हैं, ठीक है. सो कैसा लगा ये टेंट? सो ब्यूटीफुल. एंड अभी इन लोगों ने रिनोवेट भी किया है. सो अंदर थोड़ा टेंट के साथ दे हैव गिवन सम टाइल्स एंड ऑल, उसको लगा के इट लुक्स अमेजिंग. मतलब बहुत ही लग्जरी रूम है. एंड ब्यूटिफुल. पीछे जो दिख रहा है वो है लॉग हाउस. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेइंग ऑप्शन. वी डिडंट गेट द बुकिंग. ये लॉन्ग वीकेंड है 2 अक्टूबर वाला. सो बहुत रश था. हम लोग को टेंट हाउस मिला और टेंट हाउस इज देयर. सो टेंट एंड लॉग हाउसेज, दिस टू आर द best staying option here to enjoy or to feel this jungle vibe. And on that side you will get that luxury rooms are there, suites and all those are on that side. But our opinion, agar loge jungle mein aake wo us room pe rehna nahi hai. It's better to stay in this log house or any of this tent. Maza aa jayega. Aur aap dekh hi sakte ho, wild boars are roaming all around. And this is completely inside this Bear Hill forest, and it is very well maintained. So agar aap dekhoge, people are continuously working here to keep it clean. Agar aap bhi aate ho, make sure you guys are keeping this place clean. Not only this day, I'm talking about the entire jungle. Agar hum log aate hai, it's our responsibility to keep the jungle clean, animals ko disturb na karna. And dress, try to wear clothes of natural colors or like a brown, black, green, this kind of colors which doesn't disturb the vibes of the jungle. Like, don't avoid any bright colors, yellow, red, all these kinds. If you're coming, so keep that in mind. Don't throw plastics and all in the jungle. Keep it clean. This is the home of all the animals. Show respect to them. Show love to them. बहुत ज्ञान दे दिया. अभी जल्दी से चलते हैं. हाय हाय. ये टेंट काफी अच्छा है यार, काबिनी से भी अच्छा है. हाँ, आई थिंक आई फील सो. मतलब काबिनी का कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे दिस इज 14,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग एंड टू सफारीज. And inside the tent as well, feel wise cabin mein hum log the. I hope you guys have seen our cabin videos. So cabin tent and this tent mein comfort or luxury wise both are same. And budget wise you are saying this is cheaper, right? Yeah, ye 14,000 hai for one night. And I think that is 21K, right? But yeah, the major difference is that cabin mein aapka sighting ka chance
बहुत हाई है कंपेयर टू केगुड़ी, बट अपना लक तो काबिनी में बहुत गंदा था। देखते हैं बियर हिल्स क्या गुल खिलाता है। सीडर ट्री, दिस इज आई गो टू, आई एम कमिंग टू दिस होटल ना, दैट टाइम आई सी दिस ट्री एंड दिस इज माय कार। आई एम गोइंग and I am drawing another one inside this house. All the gramme log thake bitor, village people stay in here. That I am drawing, I see it, that I am drawing. Chalo ab 1:30 time for lunch, dikhate hain kya kya hai JLR Kegudi ke lunch mein। जनरली तो बहुत सारे ऑप्शन रहता है, वेज नॉन वेज दोनों। एंड सी वी आर मैचिंग क्योंकि पोस्ट लंच वी विल गो फॉर सफारी। अभी बता देते हैं यहाँ पे बुकिंग कैसे करोगे। बुकिंग के लिए JLR के जो वेबसाइट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी दे दिया है, आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके बुकिंग कर सकते हो। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस हैं, मोस्टली 6,000 से 7,000 8,000 के आसपास पड़ता है पर पर्सन इंक्लूडिंग फूड एंड एवरीथिंग। अगर बच्चे हैं बिलो 5 ईयर्स इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। सो जैसे हमारे लिए तिन्नी को कोई चार्ज नहीं लगता है जेलर में अभी भी, नेक्स्ट ईयर से लगेगा। क्या है सर लंच में, वेज नॉन वेज बहुत बहुत है, बहुत आ रही है। ये क्या है? वो नविल कोस, नॉल कोस, बटर पनीर, बीट रोट, रसम, टमाटो रसम, सांभर, इसमें पुलाव, वाइट राइस, एक एक मसाला, चिकन करी इज दैट साइड, चिकन करी। एंड खाने के साथ साथ व्यू भी एंजॉय कर लीजिए, वो देखिए हिरन। एकदम भर के खाए हम लोग। सो अभी जाते थोड़ा सा रेस्ट करते एंड उसके बाद सफारी पे चलते। सो इज इट सेफ जाना है ऊपर? अरे मैं ये लोअर पहना रहता तो पहुंच भी गया, लेकिन बहुत टफ लग रहा था। इसको चढ़ना कैसे इसके अंदर? ऐसे नहीं ये किसी को पकड़ने के लिए तो नहीं बना रखे हैं ना, नहीं लग रहा है। लग रहा है हमारे लिए, हम तो जाए भी नहीं पाएंगे, कैसे जाएंगे? मैं सोच रही हूं इसमें जाएंगे, जाना कैसे है? मैं बैठ जाऊं बाद में आके। हाँ। ले ओए उतर नीचे, नहीं नॉर्मली हर जगह फंस गया ऊपर तो। ये तो लेपर्ड के लिए था, लेपर्ड के लिए था, कैच करने के लिए रखा था। यार ये कुछ और है, मेरे को लगता नहीं हमारे लिए ये। ये मिस कर गया मैं वो जंप। प्रशांत उधर दिक्कत आएगी ना, तब दे देंगे लोग। ये भाग गए तो इससे लगा, मेरे को जो लगा पूरा ऐसे लगा था पीछे बस। ऐसे सोचते सोचते पटाख गिर जाओ, मैं वही सोच रहा हूँ कि ऐसा करते करते जंप कर गिर जाओ, जंप नहीं फंस जाएगा पैर। आई विल कम डाउन, डोंट वरी। हाँ चलो, वाव अभी लटकते रहो। ये इनका सही रहा, बेबी तो पल गई, बेबी तो पल गई ऊपर गिर दिस भाई, आउच सॉरी। ऐसे सफारी पे चलते, दिखाते हैं कैसा रहा अपना लक इन BRT टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट केगुड़ी सफारी में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है।
And then don't forget to subscribe our channel. Click our channel. Your support means a lot for us. फिलहाल तो आज के लिए ये वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. Thanks for watching and we'll come back on next Tuesday with another episode of this series, जहाँ पे हम लोग आपको लेके चलेंगे into the safari and मिलाएंगे जंगल के राजा से. तब तक के लिए stay tuned. I'm Dipmala and we are signing off for now. Stay safe, be happy and travel more.